हेलो फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि XMDR का पासवर्ड रिसेट कैसे किया जाता है। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम DVR के मेन मेनू में जाएंगे। मेन मेनू में जाने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके मेन मेनू ऑप्शन में लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाला है पहले से तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अगर नहीं डाला है या भूल गए हैं तो फॉरगॉट आंसर इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। फॉरगॉट आंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो QR कोड आपको बताएगा। राइट साइड का जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, XMEY ऐप। और लेफ्ट साइड का जो QR कोड है इसको स्कैन कर आप कैप्चा कोड जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। तो अभी आगे का प्रोसीजर मैं आपको मोबाइल ऐप पे लेकर चलूँगा, मोबाइल ऐप में बताऊँगा आपको क्या करना है। तो आपके मोबाइल में XMEY सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है, इसको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन कर देना है। यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये ओपन होने के बाद आपको डिवाइस ऐड में, जहाँ पे आप डिवाइस ऐड करते हैं उसको प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फॉरगॉट योर डिवाइस पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसमें आपको दो मेथड बताएगा, स्कैन QR कोड का मेथड और फाइंड द पासवर्ड अंडर द लैन। हम स्कैन QR कोड का मेथड देखेंगे। स्कैन QR कोड पे क्लिक करके मोबाइल आपके डिवाइस स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड का QR कोड था उसको स्कैन करना है। उसको स्कैन करने के बाद ये कोड जनरेट होगा। इस कोड को आपको DVR में यहाँ पे कैप्चा के ऑप्शन में एंटर कर देना है। एज इट इज़ जो कोड आपको वहाँ पे जनरेट हुआ है उसी कोड को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। फिर नया पासवर्ड आपको जो चाहे वो क्रिएट आप कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपका कितना स्ट्रांग है वो भी बताएगा। एक ग्रीन हो गया तो समझिए कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग बन चुका है। तो दो बार आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, सेम पासवर्ड। आप चाहे तो सिंपल पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं या तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आप याद रख सके। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज़ करना है उसको चूज़ करके उसका आंसर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करिएगा जो आप याद रख सके। दो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो आपको हमेशा याद रख सकते हो ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप चूज़ कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसमें आपको नीचे के ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे टिक करना है और अपना ईमेल आईडी इसमें एंटर कर देना है। आगे के प्रोसीजर के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसमें ईमेल आईडी एंटर किया है तो ही आगे के प्रोसीजर से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो आगे का जो मेथड है वो आपको मैं बताता हूँ, उसके लिए भी आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। इस मेथड में भी आपको XMEY इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। XMEY सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह लॉगिन करना है और जहाँ पे आप डिवाइस ऐड करते हैं वहाँ पे एक प्लस का सिंबल होता है, उस प्लस के सिंबल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉरगॉट योर डिवाइस पासवर्ड पे क्लिक करना है। और फर्स्ट टाइम हमने मेथड वन पे क्लिक किया था, यहाँ पे मेथड टू में आपका DVR और आपका मोबाइल सेम लैन में कनेक्ट होना ज़रूरी है। सेम लैन में कनेक्ट होगा तो आपके लैन में जितने भी DVR है वो यहाँ पे शो करेंगे। जिस DVR का आपको पासवर्ड रिसेट करना है उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड मेथड है इसमें गेट कोड करके, गेट कोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप गेट कोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक कोड आ जाएगा। तो जो कोड आपकी ईमेल आईडी पे आएगा उसको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि ये मेरी ईमेल आईडी पे ये कोड आया है। फोर वन डबल फोर सिक्स थ्री ये कोड मेरी ईमेल आईडी पे आया है, तो इस कोड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर देना है। बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन ये मेथड आप तभी कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट टाइम आपके DVR में ईमेल आईडी आपका एंटर कर दिया हो।
ये रिसेट पासवर्ड सक्सेसफुली लिखकर आ गया और आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।